लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाने वाला हमारा झारखंड यूं तो प्रकृति के गोद में बसा ही हुआ है, जो अपनी एक खूबसूरती की अलग छटा बिखेरता है, जिसकी खूबसूरती पूरे देश भर में विख्यात है। लेकिन अब झारखंड की खूबसूरती राजधानी रांची की सड़कों पर भी देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें कि रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर जो देश को राज्य की कला और संस्कृति से रूबरू कराएगा। जो यात्री बड़े गाड़ियों से होकर इन सड़कों से गुजरेंगे वह भी झारखंड की विविधता और संस्कृति का नजारा देख सकेंगे। यह ब्रिज दो समाज और संस्कृति को जोड़ने का काम करेगा। बता दें कि यह प्रयास रांची सांसद संजय सेठ ने किया है। NHI और KCC बिल्डकॉन की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है और सांसद के निर्देश पर इसका काम भी शुरू हो गया है। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि राजधानी की यह कॉरिडोर को देश के उन चुनिंदा कॉरिडोर में शामिल किया जा सके। बता दें कि राजधानी की यह कॉरिडोर में झारखंड की खूबसूरती, कला, संस्कृति के साथ साथ यहाँ के महापुरुषों की जीवन गाथा को भी दर्शाया जाएगा। इस काम के लिए नागपुर के एक एजेंसी को चुना गया है जो एलिवेटर कॉरिडोर को बेहतर ढंग से सजाने का काम भी कर रही है। बता दें कि इन पिलरों के सजावट में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। जो एजेंसी इन पिलरों को सजा रही है उसके मुताबिक इन कॉरिडोरों को 5 जोन में बांटा गया है। ट्राइबल जोन, पर्सनालिटी जोन, स्पोर्ट्स जोन, ग्रीन जोन और सोशल अवेयरनेस जोन। ट्राइबल जोन में झारखंड के जनजातीय कला और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। पर्सनालिटी जोन में झारखंड के महापुरुषों भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर और चांद भैरव सहित अन्य महापुरुषों की जीवन गाथा देखने को मिलेगी। वहीं स्पोर्ट्स जोन में जिसमें हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक, तीरंदाजी सहित अन्य खेलों से जुड़े झारखंड के खिलाड़ियों की उपलब्धियां देखने को मिलेगी। ग्रीन जोन में नदियां, पहाड़ और झारखंड की खूबसूरती की छटा देखने को मिलेगी। वहीं सोशल अवेयरनेस जोन में इन कॉरिडोर में एक सामाजिक मैसेज लिखे हुए होंगे। बता दें कि इन पिलरों पर राजधानी रांची से सटे जितने भी झरने हैं उनकी छटा देखने को मिलेगी, जिसे लाइटनिंग के साथ बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। इसके अलावा एलिवेटर में लगे स्टील प्लेटों को रंग बिरंगे लाइटनिंग के साथ तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ कॉरिडोर के दीवारों पर सोहराय आर्ट, छव और पाइका की भी झलक देखने को मिलेगी। झारखंड की खूबसूरती के साथ साथ इन कॉरिडोरों में जंगली जानवरों को 3D माध्यम से पिलरों में दिखाया जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 2024 तक पूरा करने का निर्णय किया गया है।